हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे सैन डिएगो कॉमिक कॉन के डे वन के अपडेट के बारे में। तो तारीख है 21 और टाइम है रात के 2 बजे का। तो हमें क्या क्या अपडेट मिले, तो मैं सारे अपडेट के बारे में बात करूंगा, जिसमें कि रूमर्स हैं, कुछ कौन सा पार्ट्स हैं। फिलहाल तो मार्वल डीसी का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी डे वन में जो भी कुछ आया है मैं आपको सब बताऊंगा। और मैंने सिर्फ कवर करे हैं मार्वल और डीसी के अपडेट, तो टेंशन मत लीजिए, हर डे की आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जो कि एमसीयू का हिस्सा है और होमकमिंग का प्रीक्वल है, जिसमें कि आपको ओल्ड स्टोरी दिखाई जाएगी टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की। और उसी के साथ रूमर ये आया इससे रिलेटेड कि टॉम हॉलैंड इसमें कोई भी अपना वॉइस ओवर देने वाले नहीं है। फिलहाल वेट करिए डे 2 की वीडियो का, क्या पता मार्वल अपने प्लान में कुछ रिवील कर दे। बात करते हैं हॉकाई सीजन 2 से रिलेटेड रूमर आया कि आपको इसका भी सीजन देखने को मिल सकता है। अब कंफर्मेशन का वेट है, तो जैसे कोई आएगी आपको बता दूंगा। 3 साल पहले एक अपडेट आया था कि बैटगर्ल और जटाना के ऊपर एक मूवी बनेगी एचबीओ मैक्स पर। फाइनली बैटगर्ल पे तो बन भी चुकी है, शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, बट इससे रिलेटिव अपडेट आया है कि इसका जो कैरेक्टर प्ले कर सकती है वो है दुआ लीपा, जो कि काफी कमाल की सिंगर है। उसी के साथ चलिए बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में, जो कि ये कंफर्मेशन, तो भाई सीक्रेट इन्वेंशन, जिसमें कि सैमुअल जैक्सन अपने कैरेक्टर निक फ्यूरी के लिए रीशूट कर रहे हैं। और फिलहाल टाइम लगेगा और ये सीरीज रिलीज होगी अगले साल। चलिए बात करते हैं कुछ सैलरी अपडेट के बारे में, जो कि डे वन में ही कंफर्म हुआ है। तो फाइनली जोकर 2 के लिए मिली है 20 मिलियन की सैलरी, टॉम हार्डी को मिली है वेनम 3 के लिए 20 मिलियन की सैलरी, और उसी के साथ जेसन मोवा, जो कि एक्वामैन 2 में काम कर रहे हैं, उनको मिली है 15 मिलियन सैलरी, जो कि थोड़ा मुझे कम लग रहा है। आपके हिसाब से इनको कितनी मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अगला अपडेट आया है कि सीक्रेट इन्वेंशन एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे होने वाली है, और इसकी जो टून होने वाली है वो होने वाली है विंटर सोल्जर जैसी। चलिए बात करते हैं न्यू रूमर के बारे में, तो सुपरमैन जिनका कैरेक्टर प्ले करते थे हेनरी कैविल, वो रिटर्न हो रहे हैं और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इससे रिलेटिव काफ़ी कमाल का अपडेट आने वाला है। एंटमैन मूवी में, जो कि अपकमिंग मूवी आ रही है क्वांटम मिनिया, उसमें आपको मोडक देखने को मिलेंगे और उसका बताया जा रहा है ये फर्स्ट लुक। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन फाइनल शी हल्क का एक न्यू प्रोमो आर्ट रिलीज करा गया है, जो कि लिखा हुआ है सुपर हीरो नीड बी सुपर लॉयर। काफी कमाल की टैगलाइन थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और उसी के साथ गाइस, डे 2 की वीडियो का इंतजार करिए, और आज रात को भी मैं काफी सारे अपडेट दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।